देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर आपने देखे ही होंगे, आपकी अपनी पर्सनल कार में, गाड़ी में, ट्रक में, ट्रैक्टर्स में, बसेस में, कहीं भी देखे होंगे। मन में डाउट जाता होगा कि आखिर एक इंजन में टर्बो चार्जर क्या काम करता है, तो आज उसी पॉइंट्स पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली जो मेरा इंजन में एक टर्बो चार्जर होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इंजन में हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। सिंपल वर्ड में बोलें तो यानी जो मेरी इंजन हवा को सक करता है उसके कंबस्टन में यूज करने के लिए, उसके अमाउंट को इंक्रीज करना, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंजन में जा सके और फ्यूल के जलने के लिए जो मेरी एयर चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उस फ्यूल को पावर प्रोड्यूस करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में यूटिलाइज किया जा सके। तो बात करते हैं टर्बोचार्जर की कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर एक टर्बोचार्जर में के अंदर होता क्या क्या है। तो बेसिकली टर्बोचार्जर के अंदर मेरे दो ही कंपोनेंट मेन होते हैं, एक होता है मेरा कंप्रेसर और दूसरा होता है टर्बाइन। जो हमारी टर्बाइन होती है वो क्या करती है, जब इंजन से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं, तो टर्बाइन क्या करती है, उन गैसेस को यूटिलाइज करती है। और वो हाई प्रेशर से जब गैसेस निकलती हैं इंजन से, तो टर्बाइन के व्हील पे स्ट्राइक करती हैं, यानी पड़ती हैं। तो वो क्या करती हैं कि उस टर्बाइन को घुमाने का काम करती हैं, जब उससे पे डायरेक्ट पड़ती हैं, स्ट्राइक करती हैं। अब जैसे ही वो उस पे पड़ती हैं, उसको घुमाती हैं, तो एक टर्बो चार्जर का जो आरपीएम है वो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख के ऊपर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्बो चार्जर में हमारी कॉमन शाफ्ट होती है और उसी दूसरी शाफ्ट पे हमारा इंपेलर यानी जो कंप्रेसर व्हील है वो अटैच रहता है। अब जितने ही आरपीएम पे हमारा टर्बाइन घूमेगी एग्जॉस्ट से, अब सेम ही आरपीएम पे मेरा कंप्रेसर का जो व्हील है वो सेम आरपीएम पे घूमेगा और एयर को कंप्रेस करने का काम करेगा। सेंटर सेंटर से क्या होगा, कंप्रेसर में कंप्रेसर जब घूमेगा तो एयर क्लीनर से एयर को सक करेगा और उसको कंप्रेस करेगा, घुमाएगा और इंजन की तरफ भेजने का काम करेगा। अब एयर की हमारी हम सभी को एक प्रॉपर्टी पता है कि जैसे ही एयर हमारी कंप्रेस होती है तो गर्म हो जाती है और फैल जाती है। अब अगर हम इस गर्म एयर को इंजन में भेजेंगे तो उसका हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे इंजन की हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो रिड्यूस ही होगी, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल मेरा इंजन के अंदर जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा और प्रॉपरली मेरा फ्यूल बर्न नहीं हो पाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे इंटरकूलर का यूज किया जाता है। और जो मेरी सेम शाफ्ट रहती है, इसकी लुब्रिकेशन का भी यहाँ पे प्रॉपर एक पाइप लगी होती है, जैसे इंजन की मेन गैलरी से आती है और उसको लुब्रिकेट करती है और नीचे से ड्रेन हो जाती है। तो अब बात करें इंटरकूलर की, तो इंटरकूलर आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा, कहीं बस ट्रैक्टर में जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के फ्रंट साइड में लगा रहता है, सेम देखने में रेडिएटर की तरह रहता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो यहाँ पे इंटरकूलर का काम क्या होता है कि जब कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है, तो डीजल इंजन में जो मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट बेड पे एनालाइज किया है, तो जो कंप्रेसर का आउटलेट रेटेड आरपीएम पे, यानी जब इंजन मेरी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, उस समय हमारा करीब 100 से 150 के बीच में चला जाता है। तो इस एयर को हम ठंडा करके फिर इंजन में भेजते हैं। जब इसको ठंडा करते हैं तो नियर अबाउट ये रह जाता है, करीब 40 से नीचे चला जाता है, अच्छा अमाउंट ऑफ यानी टेम्परेचर मेरा रिड्यूस हो जाता है। तो इससे होता क्या है, एक तो मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि टर्बोचार्जर जबरदस्ती एक हिसाब से इंजन में मेरे को एयर को फोर्स करता है कि तू जा अंदर ही जा, और उससे होता है कि हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो फ्यूल बर्न होता है उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी जो मेन मेरा रिजल्ट है, जो टर्बो चार्जर है वो बेसिकली एक कंप्रेसर है जो इंजन में एयर को कंप्रेस करने का काम करता है, और उसी से मेरी पावर की प्रोडक्शन है, जो इंजन की जो पावर प्रोड्यूस करता है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर बात करें टर्बो चार्जर में फेलियर की, तो टर्बो चार्जर में जो मेन फेलियर है वो आता है बेरिंग का, जो मेरे मेन बीच में शाफ्ट के सपोर्टिंग बेरिंग।